हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेटल नाइट्रोएनिलीन आपको सिखाएंगे। बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि आपको ये पता लगे रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती कैसे है और क्यों की जाती है। साथ साथ बताऊंगी कि कैसे होती है और क्यों की जाती है ये भी बताऊंगी। तो आज हम जो रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेटल नाइट्रो एनिलीन की। ये आप देख पाएंगे, ये मेटा नाइट्रो एनिलीन हमने लिया है और मेटा नाइट्रो एनिलीन की जो रिक्रिस्टलाइजेशन है वो की जाती है बॉइलिंग वाटर से। तो मैंने मेटा नाइट्रो एनिलीन एक छोटे बीकर में ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी डिस्टिल वाटर हमने यहाँ लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ डिस्टिल वाटर। आपने कितना सॉल्वेंट लेना है, इतना सॉल्वेंट लेना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कि जो आपका क्रूड प्रोडक्ट है जिसके आप रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो वो क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। तो मैंने थोड़ा ले लिया है यहाँ पे डिस्टिल वाटर और यहाँ पे मैंने लिया था, क्या लिया था, मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब बर्नर हमने ऑन कर लिया है, ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड इस पर लगा लिया है और हम इस पर रख रहे हैं वायर गोज। हमने वायर गोज रख लिया है और अब हम इसको बॉयल करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम इसको बॉयल करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में, क्यों करते हैं हम रिक्रिस्टलाइजेशन। जो भी हम ऑर्गेनिक प्रिपरेशन करते हैं वहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्रूड प्रोडक्ट मिलता है, वो ना तो आपका प्योर होता है ना ही क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो उसको प्योर करने के लिए साथ में इम्प्योरिटीज दूर हो जाएंगी, प्योर हो जाएगा, साथ में उसको क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या पर्पज होता है, कैसे करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन, जो है आप क्या करते हैं, जो भी क्रूड प्रोडक्ट आपने लेना है जिसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करनी है आप वो ले लेंगे, साथ में हर एक जो क्रूड प्रोडक्ट है किसी एक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, उस सॉल्वेंट में उसकी इम्प्योरिटीज डिजोल्व नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी यहाँ वाटर लिया है तो जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है उसका जो प्योर पार्ट है वो डिजोल्व होगा वाटर में, लेकिन इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो वाटर में आपकी नहीं जाएगी। तो आप एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, हर एक का फिक्स होता है, मेंशन किया होता है, आप उसी सॉल्वेंट से क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर वाटर की जगह यहाँ मैंने अल्कोहल ली होती तो मैं इसको डायरेक्ट गर्म ना करती, फिर मैं क्या करती, फिर मैं वाटर बाथ का यूज़ करती, फिर इसको हीट करती, क्योंकि अल्कोहल जो है थोड़ा सा आपका ये होता है कि अल्कोहल जो है फायर कैचिंग होता है, तो वहाँ पे हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं, उसको डायरेक्ट गर्म ना करते। तो आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेस कि अब ये जो है हीट हो रहा है हमारा जो सॉल्यूशन जो है मेटा नाइट्रो एनिलीन का बॉइलिंग वाटर के साथ, और हम बहुत अच्छे से इसको हीट करेंगे, बिल्कुल अच्छे से। अब मैं ग्लास रोड की हेल्प से थोड़ा सा इसको स्टर कर रही हूँ ताकि अच्छे से सारा का सारा मेटा नाइट्रो एनिलीन जो है वो वाटर में जो है चला जाए। तो आप देख पाएंगे ये कितना सुंदर आ रहा है कि जैसे जैसे ये क्रिस्टल्स जो हैं ये ऊपर आ रहे हैं, ये डिजोल्व हो रहे हैं, जो प्योर आपकी मेटा नाइट्रो एनिलीन है वो वाटर के अंदर जा रही है और जो इम्प्योर चीज़ें हैं वो आपकी इसमें डिजोल्व नहीं होगी। अब आपने रिक्रिस्टलाइजेशन में जब ये प्रोसेस हो जाती है, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, अभी हम इसको बॉयल अप करेंगे, हम इसको गरम गरम ही फिल्टर करते हैं। चाहे आप कोई भी रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो, आप जैसे ही आपने उसको बॉईल कर लिया, बहुत अच्छे से आपने उसको बॉईल करना है और आफ्टर बॉइलिंग आपने गरम के गरम सॉल्यूशन को ही क्या करना है, फिल्टर करना है। तो ये बॉईल हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इसकी फिल्ट्रेशन की तैयारी करते हैं। मैंने ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया है, मैंने फिल्टर पेपर ले लिया है। अब मैं इस पर जो है अपनी फनल एडजस्ट कर रही हूँ और नीचे एक मैंने साफ क्लीन बीकर ले लिया है जिसमें हम अपना सॉल्यूशन डालेंगे। जो नीचे बीकर में सॉल्यूशन आएगा उसी को हम लेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन, उसी में होगी। ऊपर जो फिल्ट्रेट, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक फिल्ट्रेट और एक रेजिड्यू। जो ऊपर आता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं और जो नीचे आता है उसको रेजिड्यू कहते हैं। तो जो फिल्ट्रेट है जो फिल्टर पेपर पे आएगा, वैसे तो नॉर्मली हम वही लेते हैं लेकिन रिक्रिस्टलाइजेशन में वो नहीं चाहिए। हमें रिक्रिस्टलाइजेशन में चाहिए हमारा रेजिड्यू, रेजिड्यू के अंदर जो सॉल्वेंट है उसी के अंदर मेटा नाइट्रो एनिलीन के क्रिस्टल आएंगे। ऊपर जो हमारे पास होगा वो तो इम्प्योरिटीज होगी जो कि उसमें डिजोल्व नहीं होगी हमारे सॉल्वेंट में। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत हद तक सॉल्यूशन जो है गर्म हो रहा है और यहाँ नीचे से भी आप अगर देखें तो ये बहुत अच्छे से, ये देखिए बहुत अच्छे से ये जा रहा है ऊपर। इसका मतलब ये अभी इसमें सॉल्युबल हो रहा है और अभी ये टाइम लेगा इसमें सॉल्युबल होने में, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और हम इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से शेक कर देते हैं, स्टर कर देते हैं। और ये जब ये प्रोसेस पूरा होगा, जब आपको ये लगे कि ये सारा का सारा जो मेरा
मेटानाइट्रोएनिलीन है ऑलमोस्ट जो है इस बॉइलिंग वाटर में चला गया है, तब हम मानेंगे कि हमारे रिक्रिस्टलाइजेशन की हीटिंग पूरी हुई। आप कोई भी ले लीजिए, देखिए अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्रिस्टल्स जो हैं वो बीच में आ गए हैं, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे हैं, अब उससे थोड़े से अलग हो गए हैं। ये देखिए सारा का सारा अब सरफेस के ऊपर जाने लगा है, इसका मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस अब हो रही है। ये देखिए बिल्कुल नीचे से सारे के सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन एक बहुत सुंदर प्रोसेस है, मतलब जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो भी एक्चुअल में बहुत सुंदर होते हैं और प्रोसेस भी एक्चुअल में बहुत ही बहुत अच्छी होती है। प्योर क्रिस्टल्स भी मिलते हैं और क्रूड प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटीज भी आपकी रिमूव हो जाती हैं। तो आप देख पाएंगे ये देखिए बिल्कुल बॉयल हो गया है अभी ये, और ये बॉयलिंग आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं। और ऊपर से अगर मैं दिखाऊं आपको, ऊपर से पूरा मेटानाइट्रोएनिलीन जो है इसके अंदर जा चुका है। अब बिल्कुल थोड़ी सी हीटिंग और हम देंगे और ये प्रोसेस हमारी पूरी हो चुकी है। कैसे पता चला पूरी हो चुकी है? क्योंकि जितना भी मेटानाइट्रोएनिलीन हमने लिया था वो सारा का सारा वाटर में जा चुका है। अब ये जो ऊपर है हमारे पास ये तो हमारी इम्प्योरिटीज है, तो ये अब गर्म हो चुका है। एक मिनट और मैं इसको गर्म करूंगी, बस एक मिनट मुश्किल से गर्म करूंगी। और अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो ऊपर आई है इम्प्योरिटी है और मैं अब बर्नर को बंद कर रही हूँ। ये देखिए हम बर्नर को अब बंद कर रहे हैं, ये बर्नर हमने बंद कर दिया है। और आप एक बार ऊपर से देखेंगे या कहीं से भी आप देख लो, ये मेटानाइट्रोएनिलीन हमने जो लिया था वो पूरा का पूरा हमारे जो सॉल्वेंट था, रिक्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट जो कि वाटर था यहाँ पे, उसमें जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, बहुत केयरफुली हम इसको यहाँ से उठाएंगे और हम इसको गरम गरम सॉल्यूशन को ही क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। आप इसको ठंडा ना करें, अगर आप ठंडा करेंगे तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज फिर से उसके अंदर ही चली जाएंगी। अगर आप गरम करेंगे तभी ये सॉल्यूशन होगा। देखिए अब मैं इसको गरम गरम सॉल्यूशन को मैंने फिल्टर कर लिया है, ये देखिए अब गरम सॉल्यूशन को हमने फिल्टर किया है। अब जो नीचे हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्रिस्टल की फॉर्म में ही प्रोडक्ट आएगा और क्रिस्टल्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब ये कूल हो जाता है तभी क्रिस्टल्स आपके बनते हैं। वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, अगर आपको यहाँ से विजिबल है तो बहुत अच्छे, जैसा हमने लिया था उससे बहुत बेहतर क्रिस्टल अब बन रहे हैं। फोकस नहीं हो पा रहा है, अगर दूर से फोकस होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये कूल डाउन हो जाएगा और अगर आप ये देखें यहाँ, आप सर दिखाना चाहें तो एक मिनट यहाँ दिखाइएगा सर प्लीज़। ये देखिए ये फनल के इधर भी क्रिस्टल बन चुके हैं, ये देखिए कूल हो गया है ये। और अगर आप देखें, मैं फनल को थोड़ा सा पास ले आऊँ तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे भी रिक्रिस्टलाइजेशन जो है फनल में हो रही है, अगर विजिबल है तो ये चीज़। तो मैं रख रही हूँ इसको और जैसे ही सॉल्यूशन कूल होगा, वैसे तो मैं तो अभी भी विजिबल इसको कर पा रही हूँ कि यहाँ पे क्रिस्टल्स जो हैं बहुत अच्छे और बहुत शाइनी अमाउंट में जो है क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो अब दो चार मिनट और रुकूंगी ताकि सॉल्यूशन पूरा कूल डाउन हो जाए और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ये दिखा सकूँ कि क्रिस्टल्स कैसे बने। देखिए पहले आप शायद ना देख पाए हो, अब सॉल्वेंट सारा चला गया है। ये देखिए फनल की वॉल पे जो लगे हुए हैं, ये जो फनल की वॉल पे लगे हुए हैं ये हमारे क्रिस्टल्स ही हैं, बिल्कुल प्योर क्रिस्टल्स हैं ये हमारे। तो 2 मिनट्स और वेट करते हैं फिर मैं आपको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोडक्ट दिखाती हूँ। अभी हम इनको छेड़ते नहीं हैं, अभी इसको बनने देते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन जो है ठंडा होने पर ही बहुत सुंदर क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी, ये जो ऊपर फनल पे है ये इम्प्योरिटी थी जो मेटानाइट्रोएनिलीन के क्रूड प्रोडक्ट में थी, ये प्योर नहीं था। प्योर जो है वो मेरे पास नीचे आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे ये प्योर मेटानाइट्रोएनिलीन मेरे पास आ चुका है। मैं जैसे ही ये बनते हैं, वैसे तो ये मेरे ख्याल से बन ही चुके हैं, बहुत थोड़ा टाइम और लेंगे। बिल्कुल शाइनी क्रिस्टल मैं देख पा रही हूँ, स्क्रीन पे विजिबल है या नहीं। चलो तो मैंने अभी बीकर को थोड़ा सा उठाया है, अगर आप इसको देख पाए तो बिल्कुल शाइनी क्रिस्टल्स आपके बन पा रहे हैं। एक बार मैं इसको लाइट में आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए लाइट की प्रेजेंस में अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्रिस्टल्स जो है कितने प्योर और कितने सुंदर बने हुए हैं। अभी तो ये सॉल्यूशन गर्म है, गर्म में ही इतने अच्छे क्रिस्टल बन गए हैं।
तो जैसे जैसे ठंडा होगा, आप मैं अपनी आई से ये देख पा रही हूँ क्रिस्टल्स जो है सेटल डाउन होके नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ से देख पाएं तो क्रिस्टल जो है सेटल डाउन होके नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही पूरा सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा, बहुत अच्छे और सुंदर क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। तो आप देख पाएंगे कि अब ये ऑलमोस्ट सॉल्यूशन जो है वो ठंडा हो चुका है और वॉल्स पे भी क्रिस्टलाइजेशन हो गई है, और नीचे भी आप देख पाएंगे कि क्रिस्टल्स बन चुके हैं। तो आज की रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको समझाई है। हमने आज रिक्रिस्टलाइजेशन की है वो मेटानाइट्रो एनिलीन की है, और अभी ये और भी सेट डाउन होंगे, टाइम लेते हैं क्रिस्टल सेटल डाउन होने में, क्योंकि एक क्विक वीडियो है तो मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकती। अभी हम वीडियो को एंड करेंगे, उम्मीद है आपको ये समझ आया हो। तो आज हमने रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की है, ये कभी इसका आएगा एक दो दिन बाद तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको ये दिखा दूंगी कि कैसे क्रिस्टल्स बनेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से प्रैक्टिकल की वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।